Hey guys, welcome back to Eat Fantasy. तो आज हम बनाने वाले हैं वेज क्रिस्पी मंचूरियन। बहुत ही डिलीशियस होने वाली है रेसिपी, एज यूजुअल जैसे हमेशा ही होती है। बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही झटपट होने वाली है रेसिपी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम वेजिटेबल्स लेंगे, कैबेज 300 ग्राम, स्प्रिंग अनियन 50 ग्राम, कैरेट 150 ग्राम, रफली चॉप ग्रीन चिलीज 1 or 2, हाफ टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 tablespoons ऑफ विनेगर, 1 tablespoon ऑफ डार्क सोया सॉस, हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ लेमन स्क्वीज, 1.5 tablespoons ऑफ एरोमेटिक पाउडर, 1 tablespoon तो अभी इसमें हम कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड करेंगे। इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद एक मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। सो जो भी वाटर कंटेंट है वेजिटेबल्स के अंदर वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें ऐड ऑन वाटर डालने की ज़रूरत नहीं होगी व्हेन वी विल ऐड मैदा एंड कॉर्नफ्लोर। तो इसमें मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलरिंग भी ऐड किया है और कॉर्नफ्लोवर और मैदे का जो मिक्सचर है ना वो 50-50% होना चाहिए। अभी जो मेरा बैटर बना है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम है। तो इसमें मैंने 3 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लोर एंड 3 tablespoons ऑफ मैदा फ्लावर यूज़ किया है। तो आप उस हिसाब से ऐड कीजिए, मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ। इसमें भी मेरे को और मैं और 2 tablespoons ऐड करूँगा मैदा एंड कॉर्नफ्लोर। सो और थोड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए, थिकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए तो जिससे आपके बॉल्स जो है मंचूरियन बहुत अच्छे से रोल हो गए। 1 and 2 tablespoons ऑफ मैदा, 2 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लोर अगेन, तो टोटल 5 tablespoons हो गया। 5 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लोर एंड 5 tablespoons ऑफ फ्लावर, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम बहुत छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे ऐसे एकदम छोटे, और ऑयल जो है मीडियम हीट पे होना चाहिए था। ज़्यादा गर्म होगा तो आपके जो मंचूरियन है वो बाहर से ही कुक हो जाएंगे, अंदर से नहीं कुक होंगे, और जब तक वो अंदर से कुक हो गए तब तक वो थोड़े जल जाएंगे। तो इसलिए हमें ये मीडियम हीट पे होना चाहिए। आप एक बार फ्लेम भी देख लो, फ्लेम देखो जेंटल फ्लेम के ऊपर मैं कर रहा हूँ। ये जो मंचूरियन जो है छोड़ते समय ये टिप है कि आप जब भी कोई भी चीज़ अगर आप ऑयल में फ्राई कर रहे हो तो उसे नीचे से छोड़े, जितना ऊपर से आप उसे छोड़ेंगे उतना ऑयल आपके हाथ के ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितना आप नीचे से उसे छोड़ेंगे धीरे से उतना आप सेफ रहेंगे, लाइक दिस। तो हमारे जो मंचूरियंस है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने बहुत ही लो हीट पे इन्हें कुक किया है, मीडियम बिल्कुल क्रिस्पी करारे हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन के टाइम, पूरा एक्सेस ऑयल हम निकाल लेंगे इसमें से। तो हमारे मंचूरियन क्रिस्पी रेडी हो चुके हैं, बहुत ही आवाज सुन सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है अंदर से भी कुरकुरी। सो गाइस बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रिस्पी ऐसी हमारी मंचूरियन क्रिस्पी मंचूरियन रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजीली मैंने इजी स्टेप्स में मैंने आपको दिखाया है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया। आप बाहर के मंचूरियन भूल जाओगे, इतने डिलीशियस एंड क्रिस्पी बने हैं हमारे ये होममेड
क्रिस्पी मंचूरियन। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे डिश घर पे ट्राई की हो तो हमें इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कीजिएगा। हमारा इंस्टा हैंडल है ईट्स फाइंडर्स। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।